हेलो जय हिंद भाई। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आज नहीं क्लास होगी, क्यों नहीं होगी भाई? क्लास है आज, बिल्कुल है। राम राम भाई सभी को, जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल सभी को। कैसे हैं भाई आप सभी, और कैसी चल रही है तैयारी? तैयारियां कैसी चल रही है आपकी? SI का एग्जाम, हरियाणा पुलिस महिला कांस्टेबल का अपनी फिक्स डेट पे है। SI वाले की तारीख जो है आ चुकी है, तो कैसी चल रही प्रिपरेशन आप सभी की? पहले तो बता दूं आपको, 37 रुपए वाला जो बैच चल रहा है, 37 रुपए वाला जो बैच है, बुक स्पेशल बैच, कंप्यूटर की बुक स्पेशल बैच, निर्मल पब्लिकेशन की जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर की जो बुक है, निर्मल पब्लिकेशन की जो कंप्यूटर की बुक है, निर्मल पब्लिकेशन वाली कंप्यूटर की जो बुक है, उसका 37 रुपए में, मात्र 37 रुपए में बैच चल रहा है, जिसकी क्लास परसों से शुरू होनी है। ठीक है, आज उसकी लास्ट डेट है 37 रुपए के हिसाब से, 37 रुपए के हिसाब से आज लास्ट डेट है। कल को, आज 12 बजे तक है ये, आज रात 12 बजे तक। कल को जो है इसकी फीस जो होगी वो 77 रुपीज होगी, 77 रुपीज। ठीक है जी, ये जानकारी आपको देनी थी। परसों को ये क्लास है जो शुरू होनी। जी, धन्यवाद आप सभी का। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ भाई? अच्छा, टेलीग्राम जो बुक वाले हैं उनका बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट्सएप ग्रुप बन गया है उनका सभी का, और वो भी बन जाएगा टेलीग्राम ग्रुप। तो सबसे पहले तो ये जानकारी देना था आपको, बहुत जरूरी थी ये जानकारी। बुक ही पढ़ाई जाएगी इसके अंदर, कंप्यूटर की जो बुक है अपनी, वो बुक ही पूरी पढ़ाई जाएगी। उसके अंदर जो MCQ है वो भी हम पढ़ेंगे, और कोशिश रहेगी जो 18 तारीख का महिला पुलिस कांस्टेबल का, कि उससे पहले अपना बहुत सारा चीजें जो है कवर हो जाए। जी, अजय स्वागत है भाई आपका, जो फर्स्ट टाइम है आपका स्वागत है। देखो अब आ जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ, अपने क्लास की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले ये पाइथन का एक क्वेश्चन है, किसी भाई का डाउट है पाइथन के अंदर, ये तो पाइथन का ये डाउट है। आप बताइए सबसे पहले तो, आप इसका आंसर अपने अनुसार क्या होगा? सत श्री अकाल भाई, रजनी चौधरी, सत श्री अकाल। बुक का लिंक नहीं है भाई, पेमेंट का मेथड मैंने आपको बता दिया था कि पेमेंट करने का क्या मेथड है। आप 9068076281 पर पेटीएम करो या फोन पे करो, पेटीएम नहीं है सॉरी, 9068076281 पर फोन पे से आप ये पेमेंट पे कर सकते हो, फोन पे से। और जो है आपने स्क्रीनशॉट भेजना है इस नंबर पे, ये जो दिया गया नंबर है 7404076281 पर, आपने जो है स्क्रीनशॉट भेजना है, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, सत श्री अकाल भाई, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आना चाहिए। राकेश कुमार का आंसर आया सबसे पहले, के सी आंसर आना चाहिए। राम राम भाई, मनदीप शिवाच मैंडी, दिखाई नहीं देता, क्यों नहीं दिखाई देता भाई? PK चौधरी, मुझे तो दिखाई दे रहा, मैं भी तो मोबाइल में खोले बैठा हूँ, मैं मोबाइल में खोले बैठा हूँ, दिखाई दे रहा भाई। पंजाब पुलिस एग्जाम में कंप्यूटर आप वाला कर लें सर? भाई कर लो, कैसे मिलेगा ये बैच? इस फोन नंबर पे आपने फोन पे पैसे डालने हैं 37 रुपीज, और इस फोन नंबर के व्हाट्सएप पे आपने स्क्रीनशॉट भेजना है। ठीक है, व्हाट्सएप पे। तो देखो ये क्वेश्चन, देखो एक बार ये क्वेश्चन समझो। ये कह रहा है कि x की वैल्यू जो है वो 0 है और y की वैल्यू जो है 1 है। अभी कोई और अदर कमेंट नहीं करेंगे, अदर कमेंट जब वीडियो के लास्ट में लूंगा, अभी सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है, और ये कह रहा है कि व्हाइल लूप है,
ये वाइल लूप के अंदर कह रहा है एक्स मल्टीप्लाई वाई लेस देन टेन, और फिर हमने करवाना है प्रिंट। क्या करवाना है? प्रिंट। प्रिंट में क्या करवाना है? इसने लिखा एक्स एंड बराबर है कोमा कोमा बंद, और इसके बाद लिखा है इसने एक्स प्लस बराबर है चार, एक्स प्लस बराबर है चार, ठीक है ना, एक्स प्लस बराबर है चार, ये लिखा हुआ है इसने। जी बहुत बढ़िया भाई। तो इसका आंसर जो किस प्रकार आया वो देखेंगे एक बार हम। ये कह रहा है कि एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 1 है। ये कह रहा है कि व्हाइल, व्हाइल का मतलब है यहाँ कंडीशन हमने टेस्ट करनी है। कंडीशन क्या करनी है? चेक करनी है ट्रू है कि फॉल्स है। कंडीशन हमने चेक करनी है ट्रू है कि फॉल्स है। पहले ये बताओ यहाँ पे कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, बताओ एक बार यहाँ कंडीशन का ही बताओ, ये ट्रू है कि फॉल्स है? यहाँ कंडीशन जो है ये ट्रू है या फॉल्स है, बताओ एक बार। ट्रू है, क्योंकि ट्रू को हम 1 भी लिख सकते हैं और फॉल्स को हम 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये ट्रू कैसे हुई? क्योंकि एक्स की मल्टीप्लाई वाई के साथ की, एक्स की मल्टीप्लाई वाई के साथ करोगे तो 0 आएगा, और 0 जो है वो लेस देन 10 होता है। यहाँ पे कंडीशन जो है वो ट्रू है कि 0 जो है वो 10 से लेस देन होती है, ये कंडीशन होगी सच। इसके बाद अगली लाइन में आया, इसने कहा एक्स को प्रिंट कर दो, एक्स कितना है? 0, तो बाहर गया 0 प्रिंट कर दिया। अब इसका मतलब ये आंसर तो कट गया और ये आंसर कट गया, दो आंसर कट गए, बी और डी आंसर जो है ये कट गया, ठीक है, बात समझ आई यहां तक। इसके बाद यहां अगली लाइन में आया, इसने कहा एक्स में 4 जोड़कर एक्स में डाल दो। भाई एक्स में 4 जोड़कर एक्स में डाल दिया, 4 एकम 4 हो गया। अब एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 0 की बजाय कितनी वैल्यू होगी? 4 वैल्यू होगी। एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 4। अब फिर इसने कहा कि एक्स मल्टीप्लाई वाई 4 एकम 4, क्या 4 लेस देन 10 है? बिल्कुल। तो फिर नीचे आया, इसने कहा एक्स को प्रिंट कर दो, तो 4 प्रिंट कर दिया। कितना प्रिंट कर दिया? 4 प्रिंट कर दिया। अभी यहीं से कंफर्म हो गया आंसर कि ये आंसर तो नहीं आएगा, बच गया सी आंसर। सी इज राइट आंसर, सी आंसर था 0, 4 और 8, सी आंसर। क्लियर बात भाई, हो जाएगा? जी नमस्कार भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब राजस्थान पुलिस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। पहला क्वेश्चन आ गया आपके लिए। पहला क्वेश्चन क्या है? देखो, पढ़ो, समझो, सोचो और आंसर दो। मेमोरी को उसकी संग्रहण क्षमता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। अरेंज द मेमोरी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इट्स स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी के आधार पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने जो है इसको क्या करना है, लिखना है। क्या होगा? बताइए क्या होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, बढ़ते क्रम में, स्टोरेज कैपेसिटी के आधार पर। बफरिंग तो नहीं हो रही भाई? सही चल रहा है बिल्कुल। क्या आंसर आना चाहिए? सी कह रहे हैं, कोई बी कह रहा है। देखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग बढ़ते क्रम में, ठीक है ना, बढ़ते क्रम में क्या होगा? सबसे पहले सबसे छोटी मेमोरी, स्टोरेज कैपेसिटी के हिसाब से कह रहा है, सबसे छोटी मेमोरी, छोटी मेमोरी, फिर उससे बड़ी मेमोरी, सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे लिखना है, ठीक है ना। सबसे पहले सबसे छोटी मेमोरी कौन सी है? रजिस्टर है। अब यहीं से कंफर्म हो गया ना, एक ये कट गया ऑप्शन, एक ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, दो ऑप्शन बच गए। अब रजिस्टर के बाद कौन सी बड़ी मेमोरी है? कैश मेमोरी बड़ी है, लेकिन इसमें दिया रजिस्टर के बाद रैम, तो रैम से पहले कैश आती है, तो बी इज राइट आंसर। रैम कैश, सॉरी, रजिस्टर कैश रैम हार्ड डिस्क, ऐसे होते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, बी इज राइट आंसर। क्लियर भाई, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, और HSSC के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र की चिन्हित उत्तर पुस्तिका को स्कैन करने के लिए प्रयुक्त इनपुट डिवाइस किसे कहा जाता है? द इनपुट डिवाइस यूज्ड टू स्कैन द मार्क्ड आंसर शीट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर इज कॉल्ड, किसे कहा जाता है? OCR क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर
रीडर, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ओएमआर क्या होता है? ऑप्टिकल ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। एमआईसीआर क्या होता है? मैग्नेटिक मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर। इन रीडर्स की जगह है, रीडर की जगह रिकॉग्निशन भी आ सकता है, रिकॉग्निशन भी आ सकता है इन रीडर की जगह। ज्यादातर रिकॉग्निशन प्रयोग किया जाता है और कई बार जो है रीडर भी प्रयोग कर लिया जाता है। तो ओसीआर क्या है? प्रिंटेड टेक्स्ट को पढ़ने का काम करती है ओसीआर। ओएमआर क्या है? ऑप्टिकल मार्क को पढ़ने का काम करती है, जो हमारा राइट आंसर है। एमआईसीआर क्या है? बैंक के चेक को रीड करने का काम करती है, बैंक के चेक को रीड करने का काम करती है। कार्ड रीडर क्या है? कार्ड को रीड करने का काम करता है। क्लियर है बात भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। निम्नलिखित में से कौन एक जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? बुक वाला बैच संडे को स्टार्ट होगा भाई, बाकी बुक के वाले बैच के बारे में अगर कुछ पूछना है तो आप क्लास की लास्ट की 2 मिनट में पूछना। क्या आंसर आएगा इसका? निम्नलिखित में से कौन सा एक जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? सुनील कंप्यूटर एक्सपर्ट पहुंच चुके हैं भाई। जीयूआई नहीं है। कौन सा नहीं है? तो ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये कमांड बेस्ड होता है टोटली। क्या होता है? कमांड बेस्ड होता है ओनली, जीयूआई बेस्ड नहीं होता है। ठीक है ना? बुक वाला बैच भाई बता तो दिया आपको, बुक वाला बैच संडे से शुरू होगा। एमएस डोज इसका राइट आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा? एमएस डोज। लाइनेक्स मिंट भी जो है जीयूआई हो चुका है, एंड्रॉइड ऑलरेडी जीयूआई है, और एमएस विंडो भी जीयूआई है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब पूछ लिया इन्होंने जीयूआई का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म ऑफ जीयूआई। बोल के बताऊंगा तो आप समझ जाओगे, वैसे ही देख लो तो ठीक है। अरे नहीं, अच्छे क्वेश्चन डालते हो और बढ़िया लॉजिकल से क्वेश्चन होते हैं सुनील भाई, बढ़िया मेहनत कर रहे हो। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भाई, ठीक है ना? इसकी राइट फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ना कि इंटरपोर्ट, ना कि यूज, ना कि यूजर इंटरचेंज, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। विंडो 10 लोड होने के बाद मॉनिटर पर दिखाई देने वाली पहली स्क्रीन निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? आप इजी क्वेश्चन कब से लाने लगे? ये पंजाब, सॉरी राजस्थान पुलिस का पेपर है भाई, और ये मैंने नहीं बनाए, राजस्थान पुलिस का पेपर है। विंडो 10 लोड होने के बाद मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाली स्क्रीन, झंडे गाड़ देंगे। जी, देखो फाइल फोल्डर तो नहीं होगा जो दिखाई देता है विंडो, उस पे क्या होता है? डेस्कटॉप। क्या होता है? डेस्कटॉप। रिसाइकल बिन एक आइकन होता है। क्या होता है? आइकन होता है। रिसेंटली यूज फाइल्स हो सकती हैं, ठीक है ना? ठीक है ना? नेक्स्ट देखो भाई, क्या कह रहे हो भाई? कपिल, कपिल शर्मा सर जी, कंप्यूटर स्पीड वाला डायग्राम एक सेम जियो जी रिक्वेस्ट है जी, एक समझाइयो जी। कंप्यूटर स्पीड वाला कोई ना, समझा देंगे भाई। एचएसएससी वाले क्यों नहीं डालते ऐसे क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंटरनेट ब्राउजर? इंटरनेट ब्राउजर कौन सा है? नहीं है। बफरिंग तो नहीं हो रही भाई? अमरजीत आपकी तरफ देखो एक बार, चेक करो। ये भी
ये तो आपको मेरे से ज्यादा पता है, इनमें से इंटरनेट ब्राउजर कौन सा नहीं है ये तो आप मेरे से ज्यादा जानते हो। माइक्रोसॉफ्ट एज इंटरनेट ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स इंटरनेट ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर इंटरनेट ब्राउजर है, टिंडर जो है इंटरनेट ब्राउजर नहीं। हाँ भाई बारिश हो रही है हल्की हल्की। नेक्स्ट भाई, इंटरनेट ब्राउजर विंडो को फुल स्क्रीन पर करने के लिए कौन सी की उपयोग की जाती है? ये तो बहुत बार बताई मैंने। हमारा कमेंट को नहीं देखते सर जी, देखने लग रहे हैं भाई आशु शोकन। कुत्तों ने तबाही मचा रखी है भाई बाहर। भाई कितना टाइम लगेगा पता नहीं, 60 क्वेश्चन है लगभग, मेरे ख्याल से 55 से 60 क्वेश्चन है। तो F8 तो होती है बूट प्रोसेस के लिए, F9 होती है कंपाइल और रन करने के लिए, कंपाइल करने के लिए और रन करने के लिए प्रोग्रामिंग के अंदर। F10 जो होती है वो मेनू बार पर जाने के लिए होती है। F11 जो होती है वो फुल स्क्रीन करने के लिए होती है, ठीक है ना, फुल स्क्रीन करने के लिए होती है। क्लियर बात यहां तक? नेक्स्ट आओ, गूगल क्रोम में गुप्त रूप से ब्राउज करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ब्राउज इनकॉग्निटो इन गूगल क्रोम? गूगल क्रोम में इनकॉग्निटो में ब्राउजिंग करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज किया जाता है? न्यू टैब, न्यू विंडो, न्यू इनकॉग्निटो विंडो, विंडो नहीं है विंडो आएगा भैया पे, विंडो आएगा, विंडो, विंडो और बुकमार्क। हाँ भाई न्यू इनकोग्निटो ब्राउजिंग, न्यू इनकोग्निटो ब्राउजिंग भाई, ठीक है, क्लियर बात। नेक्स्ट आ जाओ, क्रोम इंटरनेट ब्राउजर का उपयोग करते समय त्वरित पहुंच के लिए वेब पेज पते को सहेजने की एक विधि है। क्रोम इज द मेथड ऑफ सेविंग, क्रोम इज द मेथड ऑफ सेविंग वेब पेज एड्रेस फॉर क्विक एड्रेस एक्सेस व्हेन यूजिंग द इंटरनेट ब्राउजर। शॉर्ट की ट्रिक नहीं है, पर ट्रिक तो मैं किसी भी चीज की नहीं बताता और ना मुझे ट्रिक वाले अच्छे लगते हैं, सही बताऊं तो ट्रिक ट्रैक नहीं आती मेरे को बतानी भाई, याद हो जाएंगी अगर बार बार रिपीट करोगे तो याद हो जाएगी। इसमें क्या है, क्लियर कैश तो कुछ होता नहीं, प्रोक्सी सेटिंग नहीं होती, डिलीट हिस्ट्री में क्या सेव करेंगे, डिलीट ही कर दिया तो सेव क्या करेंगे। बुक मार्क इज राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, इनकोग्निटो क्या हुआ जी, कपिल शर्मा पूछ रहे हैं। इनकोग्निटो होता है प्राइवेट ब्राउजिंग भाई, जिससे इंटरनेट को ये नहीं पता चलता कि आप कहां से चला रहे हो। SMPS की फुल फॉर्म बतानी है भाई, सिंपल मोड पावर सप्लाई, ना भाई सिंपल तो होता नहीं, सिंपल जब होता ही नहीं, स्विच्ड होता है लेकिन मल्टीपल नहीं होता, तो स्विच्ड मोड पावर सप्लाई बी इज राइट आंसर, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, बाइट्स में, सॉरी 2 MB कैश मेमोरी जो है बाइट में अगर दिखानी हो तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ये 2 मल्टीप्लाई है भाई, यहां पे जो है ये इसका मतलब है 2 गुना में, 2 गुना में, इसका मतलब जो है, इसका मतलब है 2 गुना में, 2 मल्टीप्लाई 1024 मल्टीप्लाई 1024 मल्टीप्लाई 1022, इस तरीके से है भाई। क्या आंसर आएगा? अरे बी, अभी भी बी आंसर दे रहे हैं, बताओ कर लो बात। ये MB की बात कर रहा है, MB का मतलब होता है 2 की पावर 20 और KB में 2 की पावर 10 हो जाता है, तो MB 2 की पावर 20 कब होगा, जब 1000 मल्टीप्लाई 1000 होगा और 2 कह रहा है तो 2 ये हो गया, 2 गुना में 1024 बाइट, ए इज राइट आंसर, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आ जाओ, द पार्ट ऑफ द CPU दैट परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड। बाइनरी वाला चैप्टर करवा दो भाई, बुक वालों को तो करवाएंगे ही करवाएंगे, MS Office पे कपिल शर्मा बना देंगे वीडियो भाई।
वीडियो को तो बिना कहीं शेयर कर दिया करो भाई आप, मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। अगर 100 के लब पार चले जाते हो ना देखने वाले, तो मेरा भी जीसा करता फिर टेस्ट सीरीज लेकर आने का, अदरवाइज मन उतर जाता है फिर। ये रहता कोई इंटरेस्टेड तो है नहीं, ज्यादा ज्यादा स्टूडेंट जो इंटरेस्टेड तो है नहीं। पार्ट ऑफ सीपीयू, सीपीयू का पार्ट है, सीपीयू का पार्ट रैम तो नहीं है, एएलयू है, मदरबोर्ड भी नहीं है, रजिस्टर है। तो ये पूछा लॉजिकल ऑपरेशन कौन परफॉर्म करता है, तो लॉजिकल तो एएलयू करता है। कौन करता है? एएलयू करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी आकार सबसे बड़ा होता है? मेमोरी आकार सबसे बड़ा कौन सा है? कुछ क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन तो इसमें ऐसे आएंगे, बहुत ही बढ़िया लेवल के क्वेश्चन आएंगे। सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी आकार सबसे बड़ा होता है? हाउ तो मेमोरी नहीं होती, हाउ हाउ का मतलब क्या है? रैम मेमोरी होती है, रजिस्टर होती है, रजिस्टर सबसे छोटे होते हैं, रैम थोड़ी सी उससे बड़ी होती है, लेकिन हार्ड डिस्क से छोटी होती है। तो हार्ड डिस्क इज राइट आंसर, हार्ड डिस्क जो है राइट आंसर, बिल्कुल भाई बिल्कुल हार्ड डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? इनमें से कौन एक आउटपुट डिवाइस है भाई? आउटपुट डिवाइस कौन है? कपिल भाई आपको शुरू से पढ़ना पड़ेगा सारी चीजें भाई। ओसीआर इनपुट है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, माउस इनपुट है, वेबकैम इनपुट है, बच गया एक प्रोजेक्टर। तो प्रोजेक्टर जो है आउटपुट डिवाइस है, बिल्कुल राइट आंसर है भाई सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में किसी व्यक्ति की आवाज को सहेजने यानी कि सेव करने के लिए किया जाता है भाई। 7 40 40 7 6 2 8 1 पर भेज दो दीपक, 7 40 40 7 6 2 8 1 पर भेज दो, इसका आंसर करो फटाफट। जी जी कपिल शुरू से पढ़ लो भाई। तो इसका क्या आएगा? माइक्रोफोन फोन इज राइट आंसर। स्पीकर आउटपुट के लिए है, इसने पूछा है इनपुट। तो स्कैनर इनपुट के लिए, इसने पूछा इनपुट, लेकिन इसने पूछा वॉइस के लिए, तो स्कैनर में वॉइस नहीं जाएगी। जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए प्रयोग होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है? बड़ा बढ़िया वाला क्वेश्चन है, ध्यान से समझ के देना भाई क्वेश्चन का आंसर, समझ के आंसर देना। क्या आंसर आना चाहिए भाई इसका? सी 16 का डी कह रहे हैं, कोई डी कह रहा है, कोई सी कह रहा है, कोई सी सी वी कह रहा है भाई, इंग्लिश में नहीं है। देखो पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है पूछा, ट्रैक बॉल पॉइंटिंग डिवाइस है, जॉयस्टिक पॉइंटिंग डिवाइस है, स्कैनर पॉइंटिंग डिवाइस है, स्कैनर भी पॉइंटिंग डिवाइस है, डिजिटाइजिंग टैबलेट जो है ये पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, डिजिटाइजिंग टैबलेट जो है ये पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। सी इज राइट आंसर, ध्यान रखना इसका। स्कैनर पॉइंटिंग में आता है भाई, ठीक है ना। डिजिटाइजिंग टैबलेट जो है वो पॉइंटिंग डिवाइस में नहीं आती। डिजिटाइजिंग टैबलेट से हम क्या करते हैं, आर्किटेक्चरल डिजाइन वगैरह बनाते हैं, पीडीए में यूज होती है शायद।
सर मैंने केटीडीटी पर 25 जून का बैच शुरू होया वो। भाई कपिल शर्मा एक बार क्लास के बाद बात करोगे? पॉइंटिंग डिवाइस क्या है जी? पॉइंटिंग डिवाइस वो है जिनमें पॉइंट किया जाता है, जैसे माउस है, माउस का पॉइंटर चलता है, जोईस्टिक है, जोईस्टिक का पॉइंटर चलता है, ट्रैक बॉल है, उसका पॉइंटर चलता है, स्कैनर है, स्कैनर का यहां से शुरू होकर लास्ट तक जाता है। हाँ, वही कर रहे हैं भाई पीके। प्रणाम भाई, बीकानेर से प्रणाम। आज विभिन्न रंगों वाली निरंतर रेखाएं उत्पन्न करने वाला एक आउटपुट डिवाइस, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला भी, बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। डेजी नेल प्रिंटर, प्लूटर, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर। ये कह रहा है कि कंटिन्यूअसली लाइंस जो है डिफरेंट कलर की आए, अलग अलग कलर की आए ना भाई, इनमें तो पॉसिबल नहीं है। ड्रम चेन में तो पॉसिबल है भाई, डेजी में इम्पैक्ट प्रिंटर की बात कर रहा है ये, तो ये इम्पैक्ट है, ये भी दोनों इम्पैक्ट है। डिफरेंट डिफरेंट कलर की लाइन जो है पॉसिबल नहीं है, प्लूटर में पॉसिबल है। किस में पॉसिबल है? प्लूटर के अंदर पॉसिबल है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। राम राम भाई संदीप कुमार। द रेजोल्यूशन ऑफ द प्रिंटर इज मेजर्ड इन, प्रिंटर का जो रेजोल्यूशन है वो किस में मापा जाता है? हाँ मैप वगैरह डिजाइन होते हैं भाई, बिल्कुल सही बात है बिंटू। प्रिंट रेजोल्यूशन जो है प्रिंटर का वो किस में मापा जाता है? डॉट्स पर इंच में मापा जाता है, डॉट्स पर इंच में मापा जाता है, डेटा पर इंच में नहीं, डॉट्स पर सेकंड में नहीं, डॉट्स पर कैरेक्टर में नहीं, डॉट्स पर इंच में मापा जाता है, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस इनमें से कौन सा है? राधे राधे भाई सुनील, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस बताना भाई। डीपीआई हाई तो रेजोल्यूशन हाई, पूनम शेरावत। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस कौन सा? हार्ड कॉपी की बात की, मॉनिटर तो सॉफ्ट कॉपी वाला है, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल सॉफ्ट कॉपी है, प्रोजेक्टर सॉफ्ट कॉपी है, तो लेजर प्रिंटर जो है हार्ड कॉपी है। लेजर प्रिंटर क्या है? हार्ड कॉपी है, ठीक है ना। नेक्स्ट, डैश इज एन इंपैक्ट प्रिंटर, इंपैक्ट प्रिंटर कौन सा है? इम्पैक्ट पूछा है, इम्पैक्ट नॉट नॉन इम्पैक्ट, इम्पैक्ट प्रिंटर। ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। आराम से चला करो, एकदम से इतनी स्पीड क्यों किया करते हो? डॉट मैट्रिक्स है इम्पैक्ट इनमें एक ही अकेला, डॉट मैट्रिक्स। हाँ बुक वाला बैच, बाइलिंग वाला बैच, डॉट मैट्रिक्स अकेला। ये थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट है, ये भी नॉन इम्पैक्ट है, ये भी नॉन इम्पैक्ट है। नेक्स्ट आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नंबर ऑफ पिक्सल दैट द डिस्प्ले स्क्रीन कैन अकोमोडेट, पिक्सल की वह संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकती है, निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? नॉन इंपैक्ट है भाई वो। रेजोल्यूशन कहते हैं, नंबर ऑफ पिक्सल क्या कहलाता है? रेजोल्यूशन कहलाता है, नंबर ऑफ पिक्सल क्या कहलाता है? रेजोल्यूशन। और डॉट पिच क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द टू सेम लाइक कलर, डिस्टेंस बिटवीन टू सेम लाइक कलर। एस्पेक्ट रेशो कुछ होता नहीं, मॉनिटर का साइज होता है, रेशो भी होता है वैसे तो, लेकिन रेशो इस चीज में नहीं होता, कंप्रेशन में हो जाता है, 3:1 का रेशो होता है जब कंप्रेस करते हैं फाइल को, 3:1 का रेशो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई।
दुर्गा पुलिस भी आई हुई है भाई, और बिंटू बुरा भी अपने पुलिस डिपार्टमेंट से है। क्रिएटिंग यूजर एंड सिस्टम प्रोसेस इज द पार्ट ऑफ डैश मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। बढ़िया क्वेश्चन है भाई। अब अच्छे वाले क्वेश्चन आने शुरू हो गए। कह रहा उपयोगिता और सिस्टम प्रोसेस का निर्माण करना ऑपरेटिंग सिस्टम के किस प्रबंधन का कार्य होता है? यूपी पुलिस आ गई भाई, जय श्री कृष्णा। किस प्रबंधन का कार्य होता है भाई? प्रोसेस प्रबंधन का, प्रोसेस मैनेजमेंट का काम होता है। क्रिएटिंग यूजर एंड सिस्टम प्रोसेस, सिस्टम प्रोसेस बनाना प्रोसेस मैनेजमेंट का काम होता है, ठीक है ना? जी, दुर्गा पुलिस में टारगेट, अच्छी बात है। मेमोरी मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है। फाइल मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है। डिवाइस मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेन फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम का इनमें से कौन सा मेन फंक्शन नहीं है? बढ़िया वाला क्वेश्चन, मैंने कहा था कि अभी बढ़िया बढ़िया वाले क्वेश्चन आने शुरू हो गए। ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन जरूर पूछते हैं राजस्थान पुलिस में। डी, अरे डी क्यों कर रहे हो, डी क्यों कर रहे हो? नेटवर्क मैनेजमेंट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। भाई बताएंगे बताएंगे बताएंगे, बुक का भी बताएंगे, लास्ट में बताएंगे। नेटवर्क मैनेजमेंट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम भाई। मेन फंक्शन कहा है, मेन फंक्शन ओ ऑपरेटिंग सिस्टम, मेन फंक्शन। देखो वैसे तो फंक्शन होते हैं सभी, ये भी फंक्शन होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, सारे फंक्शन होते हैं। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि मेन कौन सा है, तो मेन में पहले नेटवर्क नहीं आता, पहले सिक्योरिटी मैनेजमेंट आ जाती है, नेटवर्क नहीं आता। ये सिक्योरिटी मैनेजमेंट का पार्ट है। ये किस चीज का पार्ट है? सिक्योरिटी मैनेजमेंट का पार्ट है। हाँ, नोट पूछा ना, नोट ए मेन फंक्शन, तो नॉट ए मेन फंक्शन, यानी कि मेन फंक्शन तो ये तो मेन फंक्शन है ही, सिक्योरिटी मैनेजमेंट भी मेन फंक्शन है। अब आप इस बात से समझो, एक बार थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे कई जो है। मान लीजिए कि अकेला एक ही कंप्यूटर है, इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें नेटवर्क लगाया ही नहीं मैंने, तो इसमें क्या काम है फिर नेटवर्क मैनेजमेंट का? अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर मान के चले इसका, तो इसमें अकेले कंप्यूटर में क्या काम है नेटवर्क मैनेजमेंट का? जब नेटवर्क करेंगे तब नेटवर्क मैनेजमेंट का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा, जरूर करेगा। मैंने कहा ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है नेटवर्क मैनेजमेंट। बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। जी चलो नेक्स्ट आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम? धन्यवाद भाई। किसी का रह गया हो तो लास्ट में बता देना, कोई बात नहीं। Which of the following is not a computer operating system? Operating system इनमें से कौन सा नहीं है? भाई Mac OS Apple वाले कंप्यूटर के लिए होता है, Unix OS होता है, लेकिन Microsoft Windows होता है, लेकिन BIOS नहीं होता। BIOS is right answer. A is right answer. बिल्कुल सही है। Next question आ जाओ। BIOS language नहीं है, basic input output एक operating routine है, operating system के routine है, लैंग्वेज नहीं है बायोस। जय हिंद भाई, डॉक्टर पंकज, जय हिंद।
बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है जो ऑपरेटिंग रूटीन में काम आता है, जो सबसे पहले चलता है। कह रहा है कि विंडो 95 जो है वो एग्जाम्पल है किस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम का, सिंगल यूजर का, मल्टी यूजर का, रियल टाइम का, डिस्ट्रीब्यूटेड का। सिंगल यूजर का तो जमाना ही नहीं रहा, डोज है बस, अकेला सिंगल यूजर ध्यान रख लेना बस, अकेला एमएस डोज, ठीक है ना। रियल टाइम और डिस्ट्रीब्यूटेड ये हाई लेवल के हैं, तो मल्टी यूजर, स्पेशल मल्टी यूजर जो है 95 में हो जाता है। क्लियर है बात? बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू अंडू चेंज? कंट्रोल जेड अन डू के लिए, कंट्रोल एन न्यू फाइल के लिए, न्यू फाइल के लिए, कंट्रोल एच रीप्लेस के लिए, कंट्रोल वाई रीडू, सॉरी हाँ अंडू के बाद रीडू के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट शोज परसेंटेज एडिंग अप टू 100% इन एमएस एक्सेल? एमएस एक्सेल का क्वेश्चन आ गया, किसकी ट्रिक बता दें भाई, दो तीन बार देखोगे तो याद हो जाएगी सारी, तो मुझे भी नहीं याद है ट्रिक क्या बतानी है, ट्रिक से कभी याद नहीं होता भाई मेरे अनुसार, तो ट्रिक को याद करने के लिए फिर से ट्रिक बनानी पड़ेगी, इतनी ट्रिक हो जाएंगी, ट्रिकों को याद करने के लिए ट्रिक बनानी पड़ेगी। बार चार्ट कौन सा चार्ट होता है? बार चार्ट होता है इस तरीके से, बार चार्ट होता है, कॉलम चार्ट जो होता है वो इस तरीके से होता है। बबल चार्ट जो होता है वो इस तरीके से होता है। पाई चार्ट जो होता है वो इस तरीके से होता है, डिवाइड करता है 25%, 25, 25, 25, तो 100 को डिवाइड करने वाला कौन है? पाई चार्ट। कौन है? पाई चार्ट, ठीक है ना। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। हाँ भाई, दोनों तरफ हिंदी इंग्लिश आई नहीं भाई इसमें। पैराग्राफ के प्रारंभ में दीर्घाक्षर कैपिटल लेटर बनाने के लिए एमएस वर्ड में खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल राइट आंसर है सभी का, ड्रॉप कैप का प्रयोग किया जाता है। किस चीज का प्रयोग किया जाता है? ड्रॉप कैप का। बिल्कुल राइट आंसर है सभी का। अब देख लो इसमें एक दो चीज और, ऑब्जेक्ट में क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट में कोई फोटो लगा सकते हो, इमेज लगा सकते हो, पुरानी फाइल लगा सकते हो, वर्ड आर्ट में अपने अक्षरों को टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हो, डिजाइनिंग बना सकते हो, सिंबल में कोई निशान लगा सकते हो, एट द रेट का निशान, टी का निशान, ट्रेडमार्क का निशान लगाया, कॉपी राइट का निशान लगाया, सिंबल लगा सकते हो, ठीक है ना भाई, डेली कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आ जाओ, एमएस वर्ड में F12 कुंजी का प्रयोग करने से कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है? सेव एज खुलता है, मेल मर्ज खुलता है, इंसर्ट टेबल खुलता है, इंसर्ट पिक्चर खुलता है, कौन सा खुलता है भाई? बताया हुआ ना आपको ये, तो सेव एज खुलता है। बिल्कुल राइट आंसर है, सेव एज खुलता है, ठीक है ना, बिल्कुल राइट आंसर है सेव एज। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, ये लो थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन है, हाँ क्लास शेयर जरूर कर देना भाई, मैं कम ही बोलता हूँ बीच बीच में। सर कैन यू बी, क्या बोल रहे हो भाई आप, जो भी है मुझे नहीं पता ये क्या होता है, बड़ी बुड़ी डडी बड़ी क्या होता है, पता नहीं क्या होता है, आई डोंट नो अबाउट दैट थिंग्स, हम तो देसी हैं भाई, राजस्थान वालों जय हो, इजी क्वेश्चन। हाँ भाई,
क्वेश्चन पढ़ लियो, इतना पंखा चला दे, थोड़ा सा गर्मी होगी। हाँ हरियाणा वाले देंगे भाई। के क्वेश्चन आया भाई, के क्वेश्चन बनया, देखो क्वेश्चन पढ़ो आराम से ध्यान से। कह रहा कि नीचे दिए गए एक प्रश्न है और एक तर्क है, कह रहा कि क्या लैपटॉप डेस्कटॉप से बेहतर होते हैं। तर्क है हाँ उन्हें कहीं भी लाया ले जाया जा सकता है, और दूसरा है नहीं ये निम्न व्यनस, यानी कि कह रहा है कि कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो लो होती है। भाई कॉन्फ़िगरेशन जरूरी नहीं है लो होगी, तो पहले वाला राइट आंसर है, केवल एक तर्क एक मजबूत है, यानी कि ए इज राइट ऑप्शन, ठीक है ना, ए इज राइट ऑप्शन, क्लियर है बात। अरे समझ में आया, ए इज राइट ऑप्शन। चले आगे, अब हाँ नेक्स्ट देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इंडस्ट्री इन्वेंटेड द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, बड़ा बढ़िया वाला ये भी क्वेश्चन। सुशील ये क्या क्वेश्चन डाल रहे हो, ये तो बता दो भाई, जो लाइव देख रहे हो वो भी बता दो, इस क्वेश्चन का आंसर बता दो सुशील को, ये बेचारे तंग हुए हैं। रीजनिंग भी दे दी बिल्कुल। अरे नहीं रजत कहाँ गायब रह गए आप, बिल्कुल सही है बिंटू, बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर। अरे नहीं भाई माइक्रोसॉफ्ट नहीं, जीरोक्स कंपनी ने बनाया था सबसे पहले, जो है जीयूआई जो है वो बनाया था जीरोक्स कंपनी ने सबसे पहले, जीयूआई जो इन्वेंट किया था वो जीरोक्स कंपनी ने बनाया था, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा जीयूआई बेस्ड नहीं है, शायद ये नेक्स्ट वही क्वेश्चन आ गया, घुमा फिर आगे। कपिल भाई जुलाई से लेकर सितंबर तक के वो सभी क्वेश्चन की पीडीएफ जो है क्वेश्चन करवाने के बाद देंगे, ठीक है, वो इकट्ठे करने पड़ेंगे, मेरे पास एकदम से है नहीं ना, सारे इकट्ठे करने पड़ेंगे। अभी बताया दे तो एमएस डोज क्या आएगा, एमएस डोज रिपीटेड क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नमस्ते वायल के सैन, नमस्ते, स्वागत है आपका, लेट हो गए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के संबंध में यूआरएल क्या होता है। यूनिवर्सल तो होता नहीं, दो तो कट गए, यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, लोकेशन नहीं होता, तो बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउजर, इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, यूट्यूब जो देख रहे हो वो वेब ब्राउजर नहीं है, यूट्यूब जो है ये वेब ब्राउजर नहीं है। भाई पेपर नहीं पता कौन सा था, एक लड़के ने भेजा था, अपने स्टूडेंट ने भेजा था, और उनका धन्यवाद भाई, मैं नाम भी नहीं जानता उनका, जिसने ही भेजा आप में से, आपका धन्यवाद, जो भेजते हो आप बिंटू भेजते हैं मेरे पास बहुत सारे। तो बिंटू हुक्का नहीं पीता भाई मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन ऑप्शन, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। जीमेल थोड़े ना सर्च इंजन है, गूगल सर्च इंजन है, जीमेल नहीं, गूगल डॉट को डॉट इन भी है, बिंग भी है, याहू भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू ट्रांसफर फाइल ओवर इंटरनेट,
फाइल ट्रांसफर के लिए कौन सा यूज किया जाता है? देखो राजस्थान वाले ने तो ऑप्शन भी ऐसे दे रखे हैं, एक्सएमपी कुछ नहीं है, टीएफटी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर एक टेक्निक है जो डिस्प्ले में काम आती है, एसएमपीएस पावर सप्लाई के लिए भी पढ़ा था, ऑप्शन भी ऐसे दे रखे हैं। हरियाणा वाले तो प्रोटोकॉल देंगे लिख के, और ये समझ नहीं आएगा कि प्रोटोकॉल कौन सा यूज होता है ट्रांसफर के लिए। और फिर दो ऑप्शन मिलेंगे कि ये भी ट्रांसफर के लिए यूज होता है, ये भी ट्रांसफर के लिए यूज होता है। हरियाणा वालों के तो वो काम है। ए इज राइट ऑप्शन, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है ना भाई, सुनील बुरा के सर के काम से नहीं है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन निष्पादित करता है? निष्पादित मतलब भाई एग्जीक्यूशन है, एग्जीक्यूशन है ये, या परफॉर्म करना। आ जाओ नेक्स्ट आ जाओ फटाफट। अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन कौन परफॉर्म करता है? देखो वैसे तो एएलयू करता है, लेकिन एएलयू किसका पार्ट है? सीपीयू का पार्ट है। किसका पार्ट है? सीपीयू का पार्ट है। तो स्टोरेज यूनिट तो करती नहीं, इनपुट यूनिट का क्या काम है? रैम रोम का कोई काम नहीं है, सीपीयू करता है ये काम। तो कौन करता है? सीपीयू। सीपीयू में कौन करता है? एएलयू करता है। ठीक है ना, एएलयू अपना मिस्त्री है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इन कंप्यूटर? एसआई के लिए काफी है जी, वो तो आप देखो वही क्वेश्चन करके देखो, प्रीवियस ईयर के सॉल्व हो रहे हैं तो आपसे। भाई कंप्यूटर की बुक का जो बैच चल रहा है बता दूं आपको, सोमवार संडे से शुरू होगी उसकी क्लास, मात्र ₹37 फीस है उसकी, और वो फीस सिर्फ आज रात 12 बजे तक है। उसमें पूरी बुक मैं पढ़ाऊंगा, सिर्फ बुक ही पढ़ाऊंगा, सारे चैप्टर उसके पढ़ेंगे। 18 तारीख से पहले कोशिश रहेगी बेसिक प्लस बेसिक एमसीक्यू कवर हो जाएं, और आज रात 12 बजे के बाद जो उसकी फीस है वो ₹77 यानी कि ₹77 हो जाएगी। ठीक है ना, अब इसका आंसर दे दो। अब इसका आंसर क्या आएगा? हार्ड डिस्क। क्या आएगा? हार्ड डिस्क। सेकेंडरी स्टोरेज पूछा है, ये सेकेंडरी नहीं है, दोनों प्राइमरी है, और ये इंटरनल स्टोरेज है, प्रोसेसर इंटरनल स्टोरेज है। ठीक है ना, हाँ क्लास बाद में सेव रहेगी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कन्वर्ट्स द प्रेजेंट प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन इन अ फॉर्मेट यूजफुल टू द यूजर? बढ़िया वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रोसेस की गई सूचना को यूजर के लिए उपयोगी स्वरूप में रूपांतरित और प्रस्तुत करता है? हाँ भाई एग्जाम होगा, बिल्कुल होगा भाई। परचेज के लिए अगर आपको लिंक चाहिए तो 9068076281 पर फोन पे से पेमेंट कर सकते हो, और इस नंबर पर जो ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 7404076281 पर भेज सकते हो अपना स्क्रीनशॉट। ठीक है, क्या होगा भाई? प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन को कौन दिखाता है? आउटपुट डिवाइस। स्टोरेज तो क्या दिखाएगी, कंट्रोल क्या दिखाएगी, इनपुट तो इनपुट लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, बढ़िया वाला क्वेश्चन है भाई, संभल के आंसर देना, संभल के आंसर देना, संभल के। दिखाई दे रहे ऑप्शन सारे? अच्छा ये साइड है, ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रैम इज इनकरेक्ट? रैम के बारे में कौन सी इंफॉर्मेशन सही है? बफरिंग तो नहीं है अभी बिट्टू, सही है अभी तो। बिल्कुल सही आंसर है सभी का, डी इज राइट आंसर। बंद होने पर भी कह रहा है कि लुप्त नहीं होती सामग्री, कंटेंट जाता नहीं, लेकिन जाता है भाई, जाता है ना कंटेंट। बाकी सारी सही है, ये भी सही है, रैम के बारे में ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, लेकिन ये बात गलत है। ये कह रहा है कि जो चल रही है फिलहाल वर्तमान में चीजें चल रही है वो रैम पर होती है, बिल्कुल सही बात है। ये कहता है प्राइमरी मेमोरी होती है, बिल्कुल सही बात है।
ये कह रहा है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, बिल्कुल सही बात है, ये बात सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई कोई ऐप नहीं है पेमेंट करने के लिए, मैंने नंबर बता दिया आपको, उस नंबर पे पेमेंट करनी है, बाकी क्लास के लास्ट में सारी जानकारी दे दूंगा, क्लास के शुरू में भी उसकी जानकारी दी है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत पूछा है क्या, पूछ लिया गलत भाई। सिलेक्ट द ओड वन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, लेजर, जेट प्रिंटर, टच पैड, लाइट पेन, स्कैनर। टच पैड क्या है, इनपुट डिवाइस। लाइट पेन क्या है, इनपुट डिवाइस। स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस। तो लेजर प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस अलग है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सी नहीं है, इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है। अरे बॉल तो ये मैं इसके ट्रैक बॉल की बात कर रहा है, ये ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल की बात कर रहा है, स्पीकर नहीं है ना इनपुट, स्पीकर तो आउटपुट निकालेंगे ना, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू कन्वर्ट हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी डिवाइस प्रयोग की जाएगी। हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कौन बदलेगा, स्कैनर, बिल्कुल सही बात है। स्कैनर बदलेगा, प्रिंटर क्या बदलेगा, प्रिंटर तो खुद हार्ड कॉपी के निकालने के लिए है, ट्रैक बॉल से इनपुट होगा लेकिन पॉइंटिंग डिवाइस है, मॉनिटर से आउटपुट दिखाई देगा लेकिन हार्ड कॉपी का मैटर ही नहीं है इसमें। विच इनपुट डिवाइस इज यूज टू एंटर मोशन डेटा, मोशन बीटा इन टू कंप्यूटर और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। भाई इसमें मुझे क्वेश्चन में गड़बड़ लग रही है, मोशन बेटा पता नहीं कौन सा प्रविष्ट करने के लिए इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, मोशन बेटा को कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में प्रविष्ट करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। इनपुट डिवाइस तो सारी है भाई, लेकिन ये मोशन बेटा कौन सा आ गया भाई, पता नहीं भाई, भाई इसका देखना पड़ेगा, मोशन बेटा क्या है ये समझ नहीं आया मेरे को। मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं ट्रांसलेशन में गूगल ट्रांसलेट जब मैंने की है तो गड़बड़ कर दी होगी इसने, मैंने चेक किया नहीं ये क्वेश्चन, तो इसको फिलहाल छोड़ देते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं इसको फिलहाल, क्वेश्चन में गड़बड़ है मुझे तो ये लग रहा है, क्योंकि मोशन बेटा तो अभी तक कभी सुना ही नहीं मैंने, मोशन बेटा क्या होता। विच डिवाइस इज यूज टू रिकॉर्ड एंड प्रोड्यूस साउंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ रणदीप, बताएंगे भाई अभी बताएंगे, एक बार ये क्वेश्चन तो कर लो, अभी बताता हूं मैं आपको पेमेंट कहां करनी है। सैम ने कहा ट्रैक बॉल मोशन से चलती है, हो सकता भाई ट्रैक बॉल उसका आंसर, मोशन बेटा क्या कहा फिर उन्होंने, BETA, वो समझ नहीं आया। तो साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज होगी, साउंड कार्ड, कौन सी होगी, साउंड कार्ड। मॉनिटर नहीं होगा, प्लूटर नहीं होगा, जॉयस्टिक नहीं होगी, बिल्कुल राइट आंसर सी। सिलेक्ट द ओड वन फ्रॉम द फॉलोइंग, रीजनिंग का क्वेश्चन है भाई, रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग का। ओड छांटना है, इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, रैम जो है स्टोरेज डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस जनरेट्स ए हार्ड कॉपी ऑफ डेटा स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर, कंप्यूटर में स्टोर है कोई डेटा,
उसके लिए हार्ड कॉपी निकालने के लिए कौन सी डिवाइस प्रयोग करेंगे? प्रिंटर। हार्ड कॉपी के लिए तो एक ही डिवाइस है ना, प्रिंटर। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट आ जाओ। इन ए स्कूल ए टीचर वॉन्ट्स टू शो ए वीडियो, एक टीचर वीडियो दिखाना चाहता है ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट, 50 विद्यार्थियों को, तो कौन सी डिवाइस प्रयोग करें? ये पी आएगा भाई, प्लॉटर। कौन सी डिवाइस का प्रयोग करें भाई टीचर? प्रोजेक्टर का करेगा ना, प्रोजेक्टर का, प्लॉटर का नहीं, स्कैनर का नहीं, प्रिंटर का नहीं। 50वां क्वेश्चन आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज बेस्ट सुटेड फॉर प्रिंटिंग ग्राफिक डिजाइन ऑफ बिल्डिंग? आसान क्वेश्चन है, सारे आसान क्वेश्चन थे मेरे ख्याल से, ये राजस्थान पुलिस के क्वेश्चन थे नहीं हैं, अभी तो क्वेश्चन बचे हुए 10 क्वेश्चन बचे मेरे ख्याल से। प्लॉटर भाई, प्लॉटर बिल्कुल राइट आंसर, प्लॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बड़ा बढ़िया वाला क्वेश्चन है, ये भी अच्छे वाला क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चनों की रिस्पेक्ट करनी होगी, अच्छे क्वेश्चन है जो उनको बिल्कुल सम्मान देना होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज, ऑपरेटिंग सिस्टम ये होता है एक सॉफ्टवेयर होता है जो मैनेज करता है बहुत सारे एक्टिविटी को और शेयर करता है कंप्यूटर के रिसोर्स। एक सॉफ्टवेयर होता है जो परफॉर्म करता है पर्टिकुलर टास्क। एक मीडियम होता है जो प्रोवाइड करता है डिटेल इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में, ये तो है नहीं। स्टोरेज डिवाइस, ना स्टोरेज डिवाइस तो होता नहीं, तो बच गए दो, ए और बी। सॉफ्टवेयर होता है जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है यूज़र के लिए, भाई कोई ज़रूरी नहीं है, यूज़र तो कहेगा मेरे को तो एक्सेल में वो डालना है, डेटा डालना है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ से लेकर आएगा एक्सेल को? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं है एक्सेल पे, एक्सेल संभालना। ऑपरेटिंग सिस्टम तो कह रहा है कि मेरे से कंप्यूटर का हार्डवेयर संभलवा लो, तो ये आ जाएगा राइट आंसर ए। राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए इज राइट आंसर, ठीक है ना, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है? आपने ध्यान दिया हो तो राजस्थान में ऑपरेटिंग सिस्टम के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन हर बार राजस्थान में ऑपरेटिंग सिस्टम के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। माइक्रोसॉफ्ट एज जो है ये इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह आया है, ये इंटरनेट ब्राउजर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपिल शर्मा आपकी बात सुनी जाएगी लेकिन क्लास के बाद भाई, कपिल बीच में डिस्टरबेंस हो जाएगी, कपिल रिक्वेस्ट आपसे। हाँ भाई प्रीतम, आपने भेजा था कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई प्रीतम। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मल्टीपल यूजर टू वर्क ऑन कंप्यूटर सिस्टम साइमल्टेनियसली, बहुत सारे यूजर जो है एक साथ काम कर सके, तो मल्टी बूट तो कुछ होता नहीं, मल्टी प्रोसेसर में हो जाए तो बात अलग है, रियल टाइम में नहीं आएगा, आ जाएगा रियल टाइम में, लेकिन रियल टाइम में कहते हैं रियल टाइम में नहीं लेंगे इसको, जब ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर डायरेक्ट हमारे पास है अवेलेबल, ठीक है ना, मल्टी यूजर आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट कट इन MS Excel? MS Excel में कट के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रयोग की जाती है? Alt वाली तो शॉर्टकट की होती नहीं, मैंने आपको बताया था, कल प्लस टू कुछ है नहीं, कट के लिए पूछ रहा है कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस एक्स इज राइट आंसर। इसका बी मत बता देना, कोई सी वेल लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट प्रेजेंट इन द मेनू ऑफ इन MS Word 2016? MS Word 2016 में कौन सा मेनू जो है उपलब्ध नहीं है? बढ़िया वाला क्वेश्चन है भाई।
इंसर्ट तो होता है, सभी में होता है। इंसर्ट के अंदर आ गया आपका टेबल, इंसर्ट के अंदर आ गया आपका हेडर फुटर, रेफरेंस होता है सभी में, रेफरेंस के अंदर आपके फुटनोट एंड नोट वगैरह 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 आ गए। होम टैब होता है जिसके अंदर फॉन्ट की सेटिंग, पैराग्राफ की सेटिंग आ गया। तो फॉर्मूला जो है ये एक्सेल में होता है, फॉर्मूला जो है एक्सेल में होता है, ठीक है ना, फॉर्मूलाज एक्सेल के अंदर होता है। हाँ जी मनीष कौशिक कह रहे हैं रेफरेंस, मनीष कौशिक जी रेफरेंस के अंदर फुटनोट्स वगैरह, फुटनोट हैंड नोट सॉरी एंड नोट वगैरह आ जाते हैं। तो फॉर्मूला जो है एक्सेल के अंदर होता है। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मेनू मार्जिन एंड ओरिएंटेशन ऑप्शन कैन बी सिलेक्टेड इन एमएस एक्सेल 2016। एमएस एक्सेल 2016 में मार्जिन और ओरिएंटेशन ऑप्शन जो होते हैं वो कहाँ मिलते हैं, कौन से मेनू में मिलते हैं, कौन से मेनू में मिलते हैं मार्जिन और ओरिएंटेशन। रिव्यू है, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, पेज लेआउट में मिलते हैं, किसमें मिलते हैं ध्यान रखना, पेज लेआउट के अंदर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एंटर्ड यूजिंग इंसर्ट मेनू इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में अगर देखा जाए तो इंसर्ट मेनू के तहत क्या चीज हम इंसर्ट नहीं कर सकते, क्या चीज इंसर्ट नहीं कर सकते भाई? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी तो बताया था इंसर्ट हेडर और फुटर, इंसर्ट शेप भी अभी बताया था, इंसर्ट टेबल भी अभी बताया था, अब तो बता दो क्या बच गया। लाइन स्पेसिंग पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के अंदर होता है, और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग जो है होम टैब के अंदर होती है, ठीक है ना, होम टैब के अंदर होती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू स्टार्ट स्पेलिंग चेक इन एमएस वर्ड। एडवांस कंप्यूटर की सारी क्लास कहां मिलेंगी, लीशो ऐप पे मिलेंगी भाई। नींद आने लग गई भाई, फटाफट बताओ। F7 रहे, F2 रीनेम खेत्र हुआ, रीनेम करण खेत्र हुआ, F2 कंट्रोल S सेव करण खेत्र हुआ, और कंट्रोल प्लस अल्ट कुछ नहीं, कंट्रोल प्लस S जो है सेव करण खेत्र। बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से भाई, आखिरी प्रश्न है भाई मेरे ख्याल से। YouTube पे भाई वैल्यू प्लस कैंपस पे है, चाहे फिर उरे अपना एडुएक्स यूट्यूब चैनल पे देख ले एक बार, बाकी करेंगे शुरू करेंगे, पूरी तो कहीं भी नहीं है, लगभग सारी क्लास कड़ी भी को नहीं है एक जगह, सारी क्लास तो सिर्फ मेरे ख्याल से पेड बैच में है, एडवांस की तो, बेसिक की तो पढ़ी है कई चैनल अब। इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट कौन सा भाई इनमें से, लेजर और इंकजेट ये तो इम्पैक्ट होते नहीं, थर्मल भी इम्पैक्ट नहीं होता, नॉन इम्पैक्ट होते हैं, डेजी व्हील बच गया भाई, डेजी व्हील जो है इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। ले भाई ठीक है, राम राम सारे ने भाई, शेयर कर दियो, शेयर तो मैं कर देनी मेरे को, शेयर कर दे रो थोड़ी बहुत ही। ये बैच वाले आ जाओ भाई, के पूछना चाहवा थे बैच वाले ने पूछना चाहवा थे कि बुक वाला जो बैच है उसकी पेमेंट कड़ा करनी है जी, तो 9068076281 पे फोन पे के माध्यम से पेमेंट करनी है। आज 12 बजे तक 37 रुपये है, 12 बजे के बाद 77 रुपये है, ऐड नहीं करूँगा जो 37 रुपये तक कम पे करे जी, ठीक है ना, क्योंकि 5 दिन हो गए मैंने यह इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल में डाल रखी है, ठीक है, क्लियर है बात।
और ये यूट्यूब के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। यूट्यूब के माध्यम से मैं किकरे पढ़ाऊंगा लेकिन तब ना पढ़ाऊंगा, ठीक है भाई, आएगी बात समझ में। आज वाली क्लास किसी लगी यूट्यूब वीडियो को नीचे कमेंट करके जरूर बताइयो और पूरे बता दो जरूर ही बता दो, स्वागत है तेरा, कोई बात नहीं भाई, प्रशांत काम है तो कोई बात नहीं। थैंक्स अ लॉट, क्लियर बात भाई। इस फोन पे पर पेमेंट करके और 7404076281 पर स्क्रीनशॉट आपने भेजना है, ठीक है भाई। जी गरिमा मलिक आपका स्वागत है, तो आप सभी का स्वागत है भाई और बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, अच्छा पढ़ने के लिए, ठीक है। सभी को राम राम, जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल भाई। बुक बैच बता तो दिया भाई, आर चौधरी बता दिया, बुक वाला जो बैच है उसमें मैं बुक पढ़ाऊंगा, बुक की एक्सप्लेनेशन करेंगे, वो एमसीक्यू भी करेंगे जो बुक में है। इस नंबर पे आपने फ़ोन पे से पेमेंट करनी है, यूट्यूब पे आपको पढ़ाया जाएगा, इस नंबर पे आपने स्क्रीनशॉट भेजना है पेमेंट लेके, पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो है इस नंबर पे भेजना है। क्लास यूट्यूब पर होंगी लेकिन सिर्फ उनके लिए होंगी जिन्होंने पे किया है। कपिल शर्मा आपको मैं बता दूं, कपिल 5 दिन हो गए ये मैसेज मैं टेलीग्राम चैनल में डाल रहा हूँ, नहीं डाल रहा हूँ तो बता दो, 5 से 6 दिन हो गए ये टेलीग्राम चैनल में ये मैसेज पड़ा है 37 रुपीज़ वाला, नहीं पढ़ा हो तो बताओ भाई, जो टेलीग्राम चैनल में जुड़े हुए हैं वो बता सकते हैं, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल कंप्यूटर विद लाभ सिंह नैन आप ज्वाइन कर सकते हो, कंप्यूटर विद लाभ सिंह नैन। ठीक है भाई, हाँ डाल रहे हैं मैसेज लगातार डाल रहे हैं, अब आप पर डिपेंड है वो तो, आप कितना देखते हो वहां से। आज रात 12 बजे तक भाई, जिसने भी कर दिया अच्छी बात है, आपका स्वागत है भाई। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले कपिल शर्मा भाई, रिक्वेस्ट है आपसे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, सारी इंफॉर्मेशन जो नई चीज कोई पीडीएफ कोई फोटो शॉर्टकट करके क्या नाम है उसका स्क्रीनशॉट लेके कोई फोटो वगैरह डेटा की भेजना है तो मैं वहां भेजता हूँ भाई। जिसने पेड बैच ले रखा है ऑलरेडी, मुझे लगता है कि आपको कोई जरूरत नहीं, लेकिन अगर आपको लगता है कि बुक ले रखी है और पढ़ने की जरूरत है तो 37 रुपये मेरे ख्याल से कुछ जाता भी नहीं, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है ना, बाध्य नहीं हो आप इस चीज के लिए, तो आपकी मर्जी है। बुक वाली क्लास जो है वो संडे से स्टार्ट होंगी, कब से स्टार्ट होंगी, संडे से स्टार्ट होंगी, संडे से। हरियाणा एसआई के लिए जो क्लासें शुरू होंगी वो टेस्ट सीरीज जो चल रही है एसआई के लिए और कॉन्स्टेबल के लिए, वो टेस्ट सीरीज चलती रहेगी, अभी संडे को होगी वो टेस्ट सीरीज, शाम को संडे को 4th पार्ट जो है हो जाएगा शाम को, ठीक है भाई। टेस्ट सीरीज जो है वो संडे को लास्ट पार्ट जो है उसका हो जाएगा, चौथा पार्ट, लास्ट नहीं चौथा पार्ट जो है हो जाएगा, ठीक है भाई। तो सभी को जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल भाई, सभी को बेस्ट बुक है सर आपकी, धन्यवाद भाई आर चौधरी, तो आपका सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। शेयर कर देना क्लास को, इतना रिक्वेस्ट करना चाहूंगा बस, लास्ट में क्लास को शेयर कर देना, ठीक है।